नमस्कार दोस्तों, आप में से एक भाई का मुझे कमेंट आया। उस कमेंट में उसने पूछा है, सर मेरे हकलाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप प्लीज़ हकलाने को कैसे दूर करूँ इसके बारे में हमें कुछ बताओ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके हकलाने की प्रॉब्लम क्यों होती है और आप इसका किस प्रकार इलाज कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा, आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के मेडिकल में जाते हो तो वहाँ पे आपको इस प्रकार, ये तो किताब है दोस्तों, लेकिन वहाँ पे अखबार आपको पढ़ाया जाता है। अगर आप अखबार पढ़ते हुए हकला गए तो वहाँ पे आपको रेफरल दे दिया जाएगा, पॉइंट दे दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपकी लाइफ स्टाइल में अगर आप हकलाते हो तो दोस्तों आप एक हंसी के पात्र भी बन सकते हो, लेकिन किसी को हंसना नहीं चाहिए दोस्तों। ये उनके किसी कारणवश से बीमारी लगी है, भगवान न करे आपको भी कभी ये बीमारी लगे, इसीलिए किसी पे भी हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की कमजोरी होती है, बचपन से आदत होती है हकलाने की, तो वो हकला जाता है। मैं कभी किसी पे हंसता नहीं हूँ, क्योंकि हकलाना कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन बहुत से लोग बचपन से इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो आप किस प्रकार से अपनी इस बीमारी का इलाज कर सकते हो? तो दोस्तों, कुछ विशेष थेरेपियाँ होती है जिनके द्वारा आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आप जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और मेडिकल्स के अंदर जाते हो तो वहाँ पे आप इस प्रकार से आपको पढ़ाया जाता है अखबार। तो जैसे अगर आप हकलाते हो तो वहाँ पे इस प्रकार से आप पढ़ोगे, जैसे इस किताब को कहीं से भी खोल लेता हूँ मैं, खोलने के बाद में आप पढ़ता हूँ। जैसे इसमें लिखा हुआ है, ऊँट को भूनकर उसका चूर्ण बनाकर सरसों के तेल में मिलाकर सिर में लगाने से अरुणसिका में लाभ होता है। तो दोस्तों, इसी लाइन को मैं हकला के पढ़ता हूँ। अगर आपको हकलाने की प्रॉब्लम है तो आप पढ़ोगे, कू 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 कूट को भू भू भून कर उसका चूर्ण बनाकर। इस प्रकार हकलाने की प्रॉब्लम जिनकी होगी वो हकलाएगा, लेकिन दोस्तों आप हकलाएं नहीं, उसके लिए क्या करें? तो दोस्तों, इस प्रकार आप किताब ले लें, अखबार ले लें, कुछ भी ले लें, उसको फास्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। जैसे दोस्तों मैं पढ़ता हूँ, मैं तो राहुल का इतना ध्यान रखती हूँ, उसे प्रतिदिन स्नान कराती हूँ, फिर राहुल के सिर पर फुंसियाँ कैसे हो गई? सिर में नन्ही नन्ही फुंसियाँ गंदगी के कारण होती है, घर से बाहर जाने पर धूल मिट्टी बालों की जड़ों के पास पहुँच कर त्वचा में चिपक जाती है, इससे फुंसियाँ हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप हकलाते हो लेकिन फिर भी आप पास्ट पढ़ने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आप लगातार अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, यकीन मानो दोस्तों, आपकी हकलाने की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारी थेरेपियां हैं जिनको आने वाले समय में मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगा, लेकिन दोस्तों तब तक आप इस प्रकार लगातार प्रैक्टिस करते रहें, यकीन मानो दोस्तों, एक दिन आपकी ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जो आपकी हकलाने की प्रॉब्लम है इसका जड़ से इलाज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके परिवार में या आपके दोस्तों में किसी को भी इस प्रकार हकलाने की विशेष बीमारी है तो उसका इलाज करवाने के लिए आप इस प्रकार की थेरेपियों का उपयोग करें। दोस्तों, जरूर आपकी बीमारी ठीक होगी। मेरे ख्याल से वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।